अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जो विकास की गाड़ी जो उसको और गति देकर जो अलग राज्य के लोगों की आकांक्षाएं थी अपेक्षाएं थी वो सपना को पूरा करने वाली सरकार करेगी निकल और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राज्य और देश के हित में एक जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वो निश्चित रूप से अदा करेंगे। आश्वस्त करते हैं झारखंड के नए झारखंड के निर्माण में झारखंड के सर्वांगीण विकास सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी पार्टी अदा करेगी, ये मैं उनको विश्वास देता हूँ। सर रणनीति चूक आप मानते हैं, सर कुछ चूक हुई है जिसका विश्लेषण करने की जरूरत है? जो असफलता अपेक्षा के अनुसार निश्चित रूप से पार्टी जो हम जिस तरह गठबंधन के तहत कांग्रेस जेएमएम आरजेडी ने गठबंधन बनाई थी हम लोग ने भी कोशिश की गठबंधन बनी रहे क्योंकि हमारे जो सहयोगी उनके साथ पूर्व में भी हमने सरकार चला लेकिन गठबंधन नहीं बन पाए और जो कारण है पार्टी के सभी प्रमुख नेता बैठ के समीक्षा हम लोग करेंगे और जो भी कमी है उन कमी को आने वाले समय में चाहे वो संगठनिक स्तर पर हो चाहे व्यक्तिगत स्तर पर दूर कर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करती, हमारी राजनीति देश की सेवा राज्य की जनता की सेवा करती है। और 5 वर्ष मैंने पूरी ईमानदारी से राज्य की जनता की सेवा की है। आप विकास चारों कोना कहीं भी आप जाएं, चाहे वो गली गली सड़क हो जो घर में 30 लाख घर में बिजली नहीं थी बिजली पहुंचाने के तो हम ठीक है सर भाई राजनीति हम सेवा के लिए ठीक है ना और अभी भी सेवा करते रहेंगे बिना कोई पद एक के जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के हैसियत से इस राष्ट्र के निर्माण में इस राज्य के निर्माण में जो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज का उस राज्य के निर्माण में सर इंडिया के साथ नहीं जाने का नुकसान सर डबल इंजन की डबल इंजन की सरकार की परिकल्पना थी इंडिया के साथ नहीं जाने का नुकसान हुआ क्या जो बातें हैं सर निश्चित रूप से समीक्षा पार्टी कि जो हमारी आशाएं थी उस अनुरूप हमें सफलता नहीं मिली एक एक बिंदु पर पार्टी के हमारे प्रमुख नेता गहराई से रघुवर जी कुछ लोग आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेतृत्व के नाते हार हुई है अगर चेहरा कोई और होता बदल दिया जाता तो शायद हार नहीं होती नहीं ऐसी बात होती तो महागठबंधन के बाद भी हमारे सहयोगी दल अलग लड़ने के बाद भी हमें जो भी सीट 26-27 सीट मिल रही है कोई छोटी मोटी सीट नहीं है। आप तो 65 की उम्मीद कर रहे थे। देखिए जीवन में हमेशा आपको भी मैं सुझाव दूंगा अगर आगे बढ़ना तो लक्ष्य हमेशा बढ़ा भारतीय जनता पार्टी हमेशा लक्ष्य आगे करके आगे बढ़ता चाहता है। हमने लक्ष्य जरूर निर्धारित की थी लेकिन उस आशाओं के अनुसार जो हमें सफलता मिलनी चाहिए थी वो अपेक्षा के अनुसार सफलता सर दिन भर में क्या ऑब्जर्व कर पाए क्या क्या आप दिन भर में क्या फील कर पाए क्या वजह रही आप लोग जिस तरह बातें हुई दिन भर हुई आपको सूचनाएँ मिली होंगी क्या कुछ आपको लगा क्या फौरी तौर पर क्या समझ में आया सर आपको? मैंने आपको थोड़ा हिंट्स किया ना जी कि जो पूर्व हमारा जो गठबंधन था हम लोग की गठबंधन नहीं बन पाई उनका गठबंधन इंटैक्ट था। कारणों में जीत के भी बहुत कारण होते हार के भी बहुत कारण तो कारणों पर पूरी विस्तृत रूप से पार्टी के स्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे और जो कमियां हैं खामियां सुधारने का काम सर स्थानीय मुद्दों को जिस तरह नज़रअंदाज किया गया पूरे चुनाव प्रकरण में तो वो लगा कि राष्ट्रीय मुद्दों का मेरे भाषण को अगर आप सुने होंगे
तो मैंने हमेशा 5 वर्ष में जो विकास के काम किए, मैंने विकास को ही रेखांकित करने का काम किया और साथ ही साथ झारखंड भी राष्ट्र के अंदर है तो राष्ट्र में जो गतिविधियाँ चल रही है उनको राज्य की जनता से अवगत कराना जरूरी है। फिर भी राज्य की जनता ने जो भी जनादेश दिया, लोकतंत्र में हार जीत होती है और हार जीत से हम विचलित नहीं होते, हार से हम उत्साहित नहीं होते और जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि बीजेपी राष्ट्र के निर्माण में लगी हुई पार्टी। मॉब लिंचिंग का भी एक आरोप लगा है।